कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कोविड का टीकाकरण करा रही है। मंगलवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 76 बूथों पर टीकाकरण कराया गया, जिसमें 18 से ऊपर के 6,194 तथा 45 साल के ऊपर के 10,524 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविड शील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया जा रहा है। टीका लगवाने आए लोगों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना को मात देने में वैक्सीन काफी लाभदायक नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग लाइन लगाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिससे भविष्य में सुरक्षित रहें। इस दौरान वैक्सीनेशन कर रही नर्सों ने कहा कि लोग काफी उत्साह से टीका लगवा रहे हैं और हम लोग भी सुरक्षित रहते हुए टीकाकरण कर रहे हैं। यहाँ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि जिले में वैक्सीन की कमी नहीं है, लक्ष्य के सापेक्ष वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले लोगों, स्टाफ नर्स और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। दिव्या, मैंने 3 दिन पहले बुक कराया था। मैं मेडिकल कॉलेज से आई हूँ और आज हमारा नंबर था। वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आया? कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं। हमें तो बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया लगाने में, क्योंकि कोई भी दर्द नहीं, ना तो बिल्कुल ब्लड निकला, और बस कुछ सेकंड की बात है वैक्सीनेशन तुरंत हो जाता है। वैक्सीनेशन के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग आ रही थी, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। जिता, मैंने मेडिकल कॉलेज के तरफ से आई हूँ और मैं स्लॉट मैंने 3 दिन पहले बुक किया था ऑनलाइन, मोबाइल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उससे ही। हाँ, लग गया अभी तुरंत। बहुत नॉर्मल फीलिंग है, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल फीलिंग है, जैसे पहले वैसे अभी भी। जी, प्रवीण चौधरी। 3-4 दिन पहले स्टार्ट हमारा बुक हुआ था, दरअसल मिसेज को लगवाना था, तो आज उनका डेट था, तो आज आकर वैक्सीन लगवाई गई है। जी, वैक्सीन के बाद कैसा लगा? ठीक है, फिलहाल बेटर फील है। हो सकता है जैसा कि जो सिम्टम वगैरह के साथ बुखार हो या ना हो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो अब देखने की बात है। किरण, मैं बिछिया से आई हूँ, मैंने स्लॉट संडे को बुक किया था। वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है, इतने मुश्किल से स्लॉट मिला है। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल।
सुनीता यादव नाम है हमारा। हम कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन 3 महीने से कर रहे हैं लगातार। हमें सैनिटाइजर, ग्लव्स और सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती है लगाते समय। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, खाली यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा समस्या आती है हमको, और ऐसी कोई समस्या नहीं आती है टीकाकरण में। हमारे पास लोग बहुत नज़दीकी से आ जाते हैं, यही सब समस्या होती है। मगर सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क हमें प्राप्त मात्रा में मिलता है, वैक्सीन भी हमें प्राप्त मात्रा में मिलती है। मगर लगाने में हमें ये दिक्कत होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, इसके वजह से हमको लगाने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और कोई ऐसी समस्याएँ नहीं आती है। और लगाते समय हम 3 महीने से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बस यही है कि भीड़ लगातार बढ़ती है, भीड़ की ही कोई सुरक्षा हमें मिले, एक एक करके यहाँ वैक्सीनेशन हो, इसकी हमें सुरक्षा चाहिए बस। और इसके अलावा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन तो हमारा काम है। हम वैक्सीनेशन जब तक शरीर कामयाब रहेगी काम करेंगे, तब तक हम वैक्सीनेट करते रहेंगे सबको। यही हमारी उपलब्धता है कि हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दें। आज हमारे जनपद 72 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें हमारी 35 जगहों पर 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। कल हमने टीकाकरण 10,000 से ज़्यादा हमने टीकाकरण कराया। हमारा टीकाकरण जो परसेंटेज है स्टेट में हम दूसरे नंबर पर हैं, हमसे ज़्यादा लखनऊ ने कराया, उसके बाद हमने कराया है। आज भी हमारे 14,000 से ऊपर का लक्ष्य है, जो कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे। टीकाकरण हर सेंटरों पर स्मूथली चल रहा है, लोगों में उत्साह है, लोग टीकाकरण करा रहे हैं। थोड़ी सी परेशानियां पोर्टल की आ रही हैं, पोर्टल में लोगों को जल्दी स्लॉट नहीं मिल रहा है, जिससे लोग बेचैन हैं। लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हम एक हफ्ते के अंदर में सभी को इस तरह से जो ज़्यादा जागरूक हैं उनका टीकाकरण कर देंगे, और हमारा टीकाकरण स्मूथली चल रहा है। सर अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन? अभी तक हम 4 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करा चुके हैं।